नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद साहू। आप देख रहे हैं V4 विनोवेटिव। शराब कारोबारी विजय माल्या बैंकों का 9000 करोड़ रुपए लेकर भागा हुआ है और माल्या फिलहाल ब्रिटेन में है। वहीं भारत का कहना है कि माल्या को लाने का प्रयास जारी है। वहीं दूसरे भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी पर बैंक से 11300 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का आरोप है। 4 साल से भी कम समय में, यानी कि अप्रैल 2015 से सितंबर 2018 तक भारत में बैंकों को आपसे दो तरह के चार्ज लेकर 10391 करोड़ रुपए की कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, दो तरह के चार्ज लेकर उन्होंने 10000 रुपए से ज़्यादा की कमाई सिर्फ आम आदमी से कर ली है। पहले तो बचत खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर फाइन, और दूसरा ATM की फ्री विड्रॉल लिमिट पूरा होने पर फाइन। यह रकम विजय माल्या का जितना बकाया है उससे कहीं ज़्यादा है। वहीं नीरव मोदी के बकाया राशि का 92% है। यह सिर्फ इतना ही नहीं है, इतनी कमाई सिर्फ पब्लिक सेक्टर के बैंक्स ने की है। इसमें निजी बैंकों ने जुर्माने से जो राशि कमाई है वह बिल्कुल भी शामिल नहीं है। हम आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर बैंक के मुकाबले निजी बैंक के न्यूनतम राशि रखने पर फाइन ज़्यादा है। जैसे 2015-16 और 17-18 के बीच एक्सिस, SDFC और ICICI बैंक्स ने 4000 करोड़ की कमाई की है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल बैंक्स को 40000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चूना लग गया है। RBI की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि 2017-18 में बैंक्स को करीब 41167 करोड़ रुपए का चूना लगा है, और पिछले साल यह आंकड़ा करीब 23933 करोड़ रुपए था, यानी पिछले साल के फ्रॉड की रकम से 72% अधिक है। RBI की ओर से यह भी बताया गया है कि बीते 4 सालों में बैंक्स के साथ धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में 10170 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले सामने आए थे, जो कि 2018 में 41167 करोड़ रुपए हो गया। इस लिहाज से यह 4 गुना ज़्यादा है। 2017-18 में ऑफ बैलेंस शीट ऑपरेशन, विदेशी मुद्रा लेन देन, जमा खातों और साइबर गतिविधि से संबंधित धोखाधड़ी अहम है। 2017-18 में बैंक धोखाधड़ी के 5917 मामले थे। बैंक में धोखाधड़ी के 5917 मामले थे, जो कि पिछले वर्ष के 5076 मामलों के मुकाबले आधी है। आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि इस साल बैंक्स ने सबसे अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए। 2017-18 में 2059 मामलों में करीब 109 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले साल 1372 मामलों के साथ 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। हम आपको बता दें कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में बताया कि बैंक्स ने फिनेंशियल ईयर 2018 में फंसे कर्ज की रिकवरी में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। मार्च 2018 में खत्म फिनेंशियल ईयर में बैंक्स ने 40400 करोड़ रुपए का बेड लोन रिकवर किया है, जबकि लास्ट फिनेंशियल ईयर यानी कि 2017 में 38500 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने V4 विनोवेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।